अप्रैल 1948 में बंगाली परिवार में जन्मी जया भादुरी आज फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जया भादुरी ने एक्टिंग में रुचि दिखाई और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। 70 के दशक में अभिनेत्री बनने का सपना लेकर जया ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। 15 साल की उम्र में ही उनको मिली अपनी पहली फिल्म, निर्माता निर्देशक सत्यजीत की महानगर, जो एक बंगाली फिल्म थी। इस फिल्म में उनकी काफी तारीफ की गई। बॉलीवुड में उन्हें पहला ब्रेक मिला ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी से, जहां जया के अभिनय को इस कदर सराहा गया कि उन्हें लोग गुड्डी के नाम से पहचानने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जया ने सिर्फ चुलबुली लड़की का किरदार ही निभाया हो। अपनी अगली ही फिल्म कोशिश में उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक महान कलाकार हैं। फिल्म कोशिश में जया ने गूंगे की भूमिका निभाई, जो किसी भी अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके बाद बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके और मिली जैसी कई फिल्मों में अपनी अभिनय का जौहर दिखाया। सन 1975 की सुपरहिट फिल्म शोले ने जया के अभिनय को और उभार दिया। इस फिल्म में उन्होंने बेहद संजीदा रोल प्ले किया। जया ने अपनी फिल्मी करियर में 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं। अपनी फिल्मों से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वर्सटैलिटी में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता।